नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतना बढ़िया रिस्पांस देने के लिए हमारी वीडियोस पे बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू तहे दिल से एक बार। और आज की जो प्रेजेंटेशन है, आज जो एक प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं, वो काफ़ी अलग प्रॉपर्टी है। जिस बजट में आप एक 3 BHK फ्लैट परचेज करते हैं, या फिर एक 3 BHK का बजट जो होता है, उसी बजट के अंदर हम एक प्रॉपर जड़ से मकान लेके आए हैं। ज़्यादातर आजकल जितने भी आप आसपास में या फिर ऑन एन एवरेज 3 BHK की प्राइस रेंज देखते हैं, वो होती है 65 लाख से 70 लाख के बीच में, अगर वो एरिया द्वारका का नहीं है, यानी कि द्वारका के एडजॉइनिंग एरियाज में। और उसी एरिया में अगर हम आपको पूरा का पूरा जड़ से बना हुआ मकान दे दें, बना बनाया, जिसके अंदर आप इमिडिएटली रह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आपको मोहन गार्डन या किसी ऐसी लोकेशन का प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो बिल्कुल अंत अनंत में जाके है। इट्स अ प्रॉपर जैन कॉलोनी एरिया बोलते हैं इसको, उत्तम नगर के अंदर ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ से आपको एक स्ट्रेट अवे सीधी रोड मिलती है जो आपको आकाश हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 3 के पास ले जाएगी। यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस है 1.9 किलोमीटर्स, और यहीं से अगर आप उत्तम नगर वेस्ट जाना चाहते हैं तो वहाँ का डिस्टेंस आएगा 1.5 किलोमीटर्स ओनली। और ये पूरी की पूरी बनी हुई बिल्डिंग है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर भी आधा बना हुआ मिलता है, एंड उसके ऊपर टेरेस मिलती है। इस प्रॉपर्टी को लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इमीडिएटली इसमें लेकर रहना शुरू कर सकते हैं। इसमें जितने टाइम तक रहेंगे ये अप्रिशिएट ही करता जाएगा, बिकॉज इसमें पूरा जड़ से मकान आपके पास है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जड़ से मकान पे आपको लोन बहुत कम ऑफर होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है, तो आपको लोन मिल जाएगा, बैंक से नहीं मिलेगा, सरकारी बैंक से बिल्कुल नहीं मिलेगा। उत्तम नगर एरिया में NBFC ही लोन करता है, तो उन्हीं से मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 70% तक तो बड़े आराम से मिल जाता है, उसके ऊपर की कोशिश करनी पड़ जाएगी, बाकी 70% तक आपको बड़े आराम से इस पर लोन मिल सकता है। आइए दिखाते हैं आपको ये प्रॉपर्टी स्टार्ट से लेकर एंड तक। देखिए, मैं गली से लेकर अंदर और एंड तक पूरी प्रॉपर्टी में सब कुछ जो जो है दिखाऊंगा। प्रॉपर्टी पुरानी ज़रूर है, लेकिन लोकेशन के पैसे होते हैं। आइए दिखाते हैं। मैं आपको इस प्रॉपर्टी के आसपास और बाहर का जो एरिया है वो इस वीडियो के सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी अंदर से देख लीजिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस है। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की करंट जो सिचुएशन है या कंडीशन है उस पर मत जाइएगा, धोखा हो सकता है आपको। यहीं पर अगर इसको सजा के और बिल्कुल बिल्डर फ्लोर की तरह रेडी करके दिया जाता तो यही चीज़ सीधा 85 लाख रुपये की हो जाती स्ट्रेट अवे, बिकॉज इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अब आप इस वाले एरिया को देखते हैं तो यहाँ पे आपकी गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है। जो इसके प्रीवियस ओनर थे वो यहाँ पे एक वेगनर गाड़ी को खड़ा किया करते थे, और जो कि बड़े आराम से इसमें पार्क हो जाती थी। और मेन रोड से मैं आपको बता ही चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा पास में है। यहाँ पे आपका मोटर एंड ऑल लगाने का एरिया है, और इसके पूरे प्रॉपर्टी के वेयर एंड टेयर की अगर आप बात करते हैं तो आप मात्र 10 लाख रुपये में इस प्रॉपर्टी को जहाज़ बना सकते हैं। और अगर आप बहुत कम माइल्ड ना के बराबर रिपेयर्स करवाना चाहते हैं तो सिर्फ पेंट का एक कोट लगवा के बड़े आराम से इसमें रहना शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पे ना हाइट देखिए एक बार, यहाँ पे जो हाइट है, यानी कि इस वाले फ्लोर की जो सीलिंग है उसकी हाइट यहाँ से कम नहीं तो 13 फीट होगी ज़मीन से लेकर ऊपर तक। इट मीन्स अगर आप इस पार्किंग वाले स्पेस को ज़मीन से ऊपर, यानी कि रोड लेवल से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप 1 फीट 2 फीट, यानी कि लगभग यहाँ तक 2 फुट तक और उठा सकते हैं इस वाले जोन को। अब आते हैं थोड़ा आगे, ये स्टेयरकेस लेकर आप ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हम आपको नीचे का फ्लोर दिखाते हैं। ये आ जाता है हमारा किचन स्पेस सबसे पहले, और इसके अंदर आपको जो साइज मिलता है बना बनाया, ये आपको मिल जाता है करीब करीब ऐसे 8 फीट, और ऐसे आपको मिलेगा 5 फीट 8 बाय 5 का स्पेस है। पहले के टाइम में ऐसे ही किचन्स बनी होती थी, तो वो किचन आपको मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको एक वॉशरूम मिलता है। इस वॉशरूम का जो साइज़ है हमारा, ये आ जाता है 7 फीट बाय 4 फीट, 7 बाय 4 का साइज़ है। और यहाँ से आप आ जाते हैं इस वाले रूम में। आइए, इस रूम की भी हाइट कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, सामने आ जाइए एक बार। हाइट आपको बता देता हूँ, 6 है मेरी, इसके ऊपर मैं 5 फीट और जोड़ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट की हाइट आपको मिलती है। तो आप ओवरऑल वहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर कंबाइन हाइट उठाना चाहते हैं तो नीचे भरत करके उठाई भी जा सकती है। ये फ्यूचर प्रूफ प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको लेके इसमें रहना शुरू करते हैं तो इमिडिएटली ये ऑप्शन हैं इसमें। बाकी ये जो आप छोटा सा विंडो कटआउट देख रहे हैं, ये शाफ्ट पे ओपन होता है। अभी आते हैं और लेके चलते हैं आपको ऊपर।
दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी से जल्दी मैं आपको ये वीडियो रैप अप कर पाऊँ ताकि आप पूरा लेआउट देख लें, क्लियर हो जाए। और अभी बरसात हुई है तो कई सारे दीवारें गीली भी हैं, और जैसा मैंने आपको बताया इसको लेने के बाद में काम तो इसके अंदर करवाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर करवाना पड़ेगा। ये आ जाते हैं, बिल्कुल टिपिकल नीचे वाले लेआउट है, बस यहाँ पर पीछे सेम मिलेगा, आगे एक एक्स्ट्रा कमरा आ जाता है। यह आ जाता है हमारा रूम नंबर 1। इसके अंदर आपको जो स्पेस ऐसे मिलेगा ये मिलेगा 11 फीट और जो चौड़ाई मिलेगी वो मिलेगी 12 फीट। ये 11 बाय 12 का एरिया है। यहाँ पे आपको वार्डरोब का प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी कि आपकी अलमारी यहाँ पे बन सकती है। विंडो की प्लेसमेंट यहाँ पे है, एक बार आइए बालकनी में, ये हमारी बालकनी की प्लेसमेंट है। सामने यहाँ पे आपको ये कम्बा एंड ऑल है वो दिख रहा होगा, और रोड की जो चौड़ाई है वो अपनी 20 फीट यानी कि 20 फीट वाइड है। यहाँ से आते हैं थोड़ा आगे, ये हमारा किचन स्पेस है। ये वाला किचन थोड़ा बड़ा है, नीचे से 6.5 फीट ऐसे आ रहा है और ऐसे वही पूरा आएगा सिमिलर, तो आप ये 9 बाय 6.5 के आसपास का स्पेस मान लीजिए। यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं, ये हमारा वॉशरूम आ जाएगा इसमें 6 फीट बाय लगभग 4.5 फीट के आसपास। और ये आ जाता है हमारा सेकेंड वाला रूम, ये मिलेगा आपको 12 बाय 12 के साइज में। ये 12 बाय 12 होगा या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बाकी शाफ्ट और अलमारी का पोर्शन यहाँ पे है। यहाँ से आप थोड़ा आगे आते हैं, यही शाफ्ट यहाँ पे भी है, थोड़ा और आगे आते हैं यही शाफ्ट यहाँ से भी कनेक्ट होती है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक वेंटिलेशन बहुत बढ़िया इसमें मिल रहा है अपने को। और आ जाते हैं ऊपर, ये वाला अफसोस हम चाबी नहीं अरेंज कर पाए, ये भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जैसा आपने नीचे देखा है पोर्शन। अब ये बिल्कुल सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर वाली सीन हो जाएगी कि यहाँ पे जो हमारा पार्किंग वाला एरिया था वो इतना एरिया था लगभग, सामने की ओर कुछ ऐसा व्यू मिलता है आपको, इधर से ऐसा। और एक बार अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये पूरी की पूरी छत हमें दिखती है, इस छत के ऊपर भी आप आ सकते हैं, आ जाइए। और ऊपर भी जा सकते हैं, पीछे तक जा सकते हैं। काफी ऊंचाई है इस प्रॉपर्टी पे दोस्तों, बहुत ऊंचाई तक हम आ चुके हैं। सो ये थी पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी जो आज आपने देखी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका जो कोड है वो हमने डाल दिया यहाँ पे, और नंबर्स लिख दिए नीचे, तो उन नंबर्स पे कॉल करके आप इसे बुक कर सकते हैं। ये एक जड़ से बना हुआ मकान है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा मकान जो मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए लेआउट मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है कि ग्राउंड पे क्या बना हुआ है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे क्या बना हुआ है और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे क्या बना हुआ है। अब अगर आप एक फ्लैट परचेस करते तो फ्लैट के अंदर आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम बाहर के नाम पर एक बालकनी, और उस बालकनी के बाद में आपको उसको जब भी रीसेल करना होता है फ्लैट को, तो आपको जो कॉस्ट मिलती है, आपको जो मतलब मिलता है पैसा उसको बेचकर, वो सिर्फ फ्लैट का ही मिलेगा, लेकिन उसके अंदर ज़मीन में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जड़ से मकान है, भाई हम तो यूपी वाले हैं, हमें तो वैसे भी जड़ से मकान ही समझ में आता है, क्योंकि अपना ही होना चाहिए नीचे से लेकर ऊपर तक। उसमें क्या रहता है, एक तो नीचे अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर लो, नीचे वाले फ्लोर को क्या दिक्कत आ रही है, ऊपर वाले फ्लोर को क्या दिक्कत आ रही है, अगर आप उन सारी चीज़ों से नहीं जूझना चाहते हो तो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा रास आएगी। बाकी बेडरूम्स की बात करते हैं, एक बेडरूम हमें सबसे ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाता है, 2 बेडरूम उसके ऊपर वाले फ्लोर पर मिल जाते हैं, और एक बेडरूम उसके ऊपर वाले फ्लोर पर मिल जाता है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा 4 बेडरूम मिल रहे हैं इसके अंदर आपको, 3 वॉशरूम्स मिल रहे हैं, डेडिकेटेड 3 किचन मिल रही हैं, एक पार्किंग मिल रही है, जड़ से जगह मिल रही है, और लोन के साथ में प्रॉपर्टी मिल रही है। जनरली इन तरह की प्रॉपर्टीज़ में क्या रहता है ना, कभी GPA के पेपर हैं, ओनर कहता है जी मैं जब बेचूंगा तो मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, तो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है भाई, रजिस्ट्री एंड ऑल सब सॉर्टेड है। स्ट्रेट अवे आप अपना लोन एंड ऑल प्लान कीजिए, जितना आप लोन देखिए 80% के आसपास आपको लोन मिल जाता है फ्लैट्स में, बिल्डर फ्लोर्स में, और यहाँ पे आपको लगभग 70 तक की हम कोशिश करके देखेंगे, बाकी आपकी प्रोफाइल के ऊपर देखेंगे कि कितना लोन हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। और अगर आप लोन नहीं प्लान कर ले तो स्ट्रेट अवे ये रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है,
चाहिए इसके साथ, आराम से किसी भी एनबीएफसी से लोन प्लान कीजिए, करना है तो कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, और इस प्रॉपर्टी को अपना बनाइए। ये एक बहुत वाइज डिसीजन होगा। आप बाद में चाहें तो इसे तोड़ के पूरी नस्तो नाबूद करके ग्राउंड प्लस 4 की कॉन्फ़िगरेशन में बना सकते हैं। इतने स्पेस के अंदर बड़े आराम से बड़े सुपर स्पेशियस 2 BHK फ्लैट हर फ्लोर पे बनाया जा सकता है, सुपर स्पेशियस 2 BHK। और ये पूरी प्रॉपर्टी द्वारका सेक्टर 3 आकाश हॉस्पिटल के पास में है, इसे मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो जड़ से आपको मकान मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर जो अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर मोहन गार्डन में अंत और अनंत लोकेशन में जाके मिलते हैं। इस लोकेशन को काफ़ी ज़्यादा डिमांड में और अच्छा माना गया है, ये मिल नहीं पाती है। इसका कोड यहाँ पे डाल दिया, नंबर्स यहाँ पे डाल दिए हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिए, बता दिए। अभी भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो इस वाले कोड के साथ में कॉल कर लीजिएगा, टीम बता देगी, विजिट कीजिए इसको और जल्दी से अपना बनाइए। यहाँ पे मैंने अपनी बहुत ज़्यादा बकवास को कंप्लीट कर दिया है, बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रोड पे और दिखाता हूँ आपको रोड कैसा दिखता है। मैं अपने स्कूटी पे बैठ के आपको आराम से यहाँ से लेकर पूरा एग्जिट हमारी जो होती है ना द्वारका के सेक्टर, ये अपना आकाश हॉस्पिटल के आसपास तक की, वहाँ तक कहाँ जाया जा सकता है मैं पूरा दिखाऊंगा आपको रोड, तो उसे गौर से देखिएगा। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके म्यूजिक ऐड कर देंगे, उससे आप जल्दी देख पाएंगे उसको। मेरी बकर तो वैसे ही आपने बहुत सारी सुन ली है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बाहर का दिखाना ज़रूरी है, और आ गए हैं हम हमारी प्रॉपर्टी के जस्ट बाहर वाले रोड पे। कैसा दिखता है, कितना लंबा चौड़ा है, आइए आपको दिखाते हैं। चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग पूरी 20 फीट के आसपास की चौड़ाई हमें मिल जाती है। इस रोड के ऊपर आपको जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रेट हमारे द्वारका सेक्टर 3 वाले रोड की मिलती है। और लैंडमार्क के लिए अगर आप डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो ये शिवम भारती मॉडर्न स्कूल डाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल प्रॉपर्टी से बाहर निकलते ही वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। अभी जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं उस दिशा में बिल्कुल हमारा जो है रास्ता सामने आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ मैं। अब म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आकाश हॉस्पिटल, और यहाँ तक आने में हमें हार्डली 2 मिनट का समय लगा होगा, और 2 से 2.5 में लग सकते हैं। बाकी आप इस प्रॉपर्टी को अगर लेते हैं तो आप देख लीजिए, इस लोकेशन पे होने के कारण इसे आराम से रेंट आउट कर सकते हैं, लेने के बाद पूरा तोड़ के भी बनवा सकते हैं। ये सच में मौके का सौदा है, बहुत सही प्राइस पर हमें मिल रहा है, और लोकेशन एक्चुअली में बहुत अच्छी है। इससे अंदर अंदर लोकेशन के 3 BHK फ्लैट का रेट 75 to 80 lakhs जा रहा है आज की डेट में, और आप ये जड़ से मकान अगर लेते हैं तो इसमें फ्यूचर एप्रिसिएशन भी बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगा।